Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफान जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन सैलड की रेसिपी, जिसे आप डाइट रेसिपी भी कह सकते हैं। वैसे ये लो कैलोरीज है इस वाली रेसिपी में और हाई प्रोटीन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलड बनाते हैं आज का। चलिए पतीली के अंदर आधा कप जितना पानी डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने ना 11-12 कली लहसुन की डाली है, 2 हरी मिर्चियाँ डाली है। लहसुन छोटे थे तो मैंने 12 डाले, अच्छा बड़े हों तो आप 7-8 डालिएगा। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस डाल दी है। इसकी चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धोकर नितारने मैंने 5-10 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था, फिर डाल रही हूँ इसमें। अच्छा वैसे ये थाई पोर्शन है क्योंकि मैं यूजुअली थाई पोर्शन ही यूज़ करती हूँ। अगर डाइट हो तब भी मैं थाई पोर्शन यूज़ करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप ब्रेस्ट पोर्शन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें फैट्स थोड़ा कम रहता है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है फैटनेस। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। नमक डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच और 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए बिना भिज्जे के और इसे एक बार चला लीजिए और उबाल आ जाने दीजिए। अब आप चाहें तो मीडियम आंच पर पकाएं या आप चाहें तो ढककर इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती और ऑलमोस्ट ये जो पानी है ये सूख नहीं जाता। चलिए कुछ देर हो चुकी है और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है। तो यहाँ मैंने चूल्हा कर दिया बंद और इसमें ठंडा होने साइड पर रख देती हूँ। ये लेटस है ना, मैंने धोकर नितारने छन्नी पर रहने दिया था। अब जो चिकन का है ना ये ठंडा हो चुका है, तो चिकन को मैं निकाल लेती हूँ साइड पर। और ये जो लहसुन साबुत लेकर और ये हरी मिर्ची लेकर इसे उखल में डाल दीजिए और ये पतीली साइड पर रखिएगा, हमें उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले मैं चिकन के पीसेस इस तरीके से कर रही हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहें तो चिकन के पीसेस करें, आप चाहें तो चिकन को पूरी तरीके से श्रेड कीजिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब जब आप चिकन के पीसेस पूरे काट लें तो एक प्याले में डाल दीजिए। उसके बाद ये जो लहसुन आपने साइड पर रखा है इसे उखल में डालकर बहुत अच्छे से कूट लीजिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए सब्जियां काट लेते हैं। सब्जियां वैसे एंड टाइम पर ही काटिएगा। हाँ, ये है आधी लाल शिमला मिर्च, मैंने बड़ी थी तो आधी ली है, आप चाहें तो छोटी हो तो एक ले सकते हैं। इस तरीके से बारीक काट लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ खीरा ले लेती हूँ, जिसे हम काकड़ी भी कहते हैं, उस मीडियम साइज की थी, उसे मैंने इस तरीके से बारीक बारीक पीस कर लेती हूँ उसके भी मैं, और इसे भी साइड पर रखते जाइए। एक मीडियम साइज की प्याज लीजिए, उसे भी इस तरीके से बारीक काटते जाइए। और एक एप्पल, अगर आपका छोटा एप्पल हो तो आप 2 लीजिए, और अगर आपका मीडियम साइज का इस तरीके से एप्पल हो, मैं तो एक ही डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो एक बड़ा एप्पल भी डाल सकते हैं या 2 छोटे एप्पल डालें। ये मेरा मीडियम साइज का तो मैंने एक ही लिया है, मैं कोई छील वील नहीं निकाल रही हूँ, रहने दे रही हूँ, सिर्फ बारीक बारीक काट लीजिए इसे। अब ये सारी सब्जियों को जो चिकन जिसमें आपने डाल के रखी है उस प्याले में डाल दीजिए। अब इसी के ऊपर ही ये जो सैलड के पत्ते मैंने सबसे स्टार्ट में साइड पर, मैंने आपको बताया था साइड पर रखे हैं, उसे मैं रफली काट लेती हूँ और उसे भी इसी वाले बाउल में डाल देती हूँ ऐसे। अब बढ़िया सी एक ड्रेसिंग बना लेते हैं। मैं वही पतीली ले रही हूँ जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था। ये ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है और गर्म नहीं है पतीली। और यहाँ पर मैंने 1 कप जितना दही डाल दी, वो भी रूम टेम्परेचर पे है और गाढ़ी है, ना ही खट्टी ना ही मिट्टी। इसमें लहसुन और हरी मिर्ची जो हमने कूटी थी वो डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून मैं सादा वाला विनेगर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास एप्पल सिडर विनेगर नहीं है। अगर आपके पास एप्पल सिडर विनेगर है तो वो बेस्ट है डाइट्स के लिए, तो एप्पल सिडर विनेगर वो भी विद मदर वाला आता है ना जो, वो वाला डालिएगा। अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर ना मैं मिठास के लिए डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना हनी। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो हनी ना डालकर 1 टेबलस्पून किशमिश डाल दीजिए या फिर 1-2 टेबलस्पून जितने अंगूर बीच में से काट कर, यानी कि 2 पीसेस करके डाल दीजिएगा थोड़े अंगूर लेकर, और या फिर 1-2 टेबलस्पून जितना अनार यानी कि पोमोग्रेनेट भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ आप मिठास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने हनी नहीं डालना है तो, और आप चाहें तो हनी के साथ ये सारी थोड़ी चीज़ें भी डाल सकते हैं। चलिए ये सारा मिक्स कर लेती हूँ हनी को यहाँ पर मैं।
अब ये ड्रेसिंग सारी हमारी वेजिटेबल्स के ऊपर डाल दीजिए, जो हमने काट के रखे थे उसके ऊपर डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी पतीली कितनी साफ हो गई, क्योंकि वो सारा नीचे का लगा हुआ था ना चिकन का, एकदम अच्छे से जो हमने स्टॉक वगैरह, जैसे स्टिक चिकन का स्टॉक मिल गया हमें, ऐसा समझिए। तो इसके लिए मैंने वही पतीली ली थी। हाँ देखो कितनी साफ हो गई। चलिए अभी इसे मिक्स कर लेती हूँ मैं। अच्छा अब आप चाहें तो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मिठास के लिए हनी और डालना है, नमक एडजस्ट कर लीजिए, स्पाइस के लिए अगर आपको और चाहिए तो आप हरी मिर्चियां बारीक काट कर डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा अब मैं यहाँ डाल देती हूँ 3 टेबल स्पून नमकीन, जो मूंगफली के दाने आते हैं पीनट्स, मैंने इसे थोड़ा सा रफली कूट लिया है, 3 टेबल स्पून डाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसे, ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी ये तो स्किप ही मत कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। और मैं चख लेती हूँ, वाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। तो अब दो तरीके हैं, आप ऐसे ही इसे अच्छी खूबसूरत प्लेट में निकालें और सर्व कीजिए, या फिर आप मेरी तरह लेटस में डालें। लेटस में डालने के बाद उसके ऊपर थोड़े से है ना सेसमे सीड्स, मतलब तिल, भुने हुए तिल डालकर फिर सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब आप ये जो लेटस में नहीं सर्व करना चाहते हो, तो आप जो भी प्याली के अंदर सर्विंग डिश में निकालोगे उसमें थोड़ी सी भुनी हुई सेसमे सीड्स यानी कि तिल डाल दीजिएगा और फिर सर्व कीजिएगा। अगर आप रोस्टेड सिंग नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो रोस्टेड बादाम है, रोस्टेड काजू है, या फिर वॉलनट्स यानी कि अखरोट, ये तीनों में से कोई भी चीज को कूट कर डाल दीजिएगा। बहुत ही मजेदार बन गया है हमारा यहाँ पर चिकन सैलड रेसिपी, जिसमें लो कैलोरीज है और हेल्दी भी है और डाइट है। अगर आपको और इसी तरीके से डाइट रेसिपीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। अच्छा दही का खास करके ध्यान रखिएगा कि दही खट्टी भी नहीं होनी चाहिए और मीठी भी नहीं होनी चाहिए। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।